और यार देखते ही देखते ना यहाँ पे फिर से रश लग गया और मेरे जो है वो ये देखो जी ये पकौड़े की प्लेट है जी। हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल बुक का ट्रिंडा। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं अमर भवन चौक। लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी वो डाली थी सिर्फ बेडशीट दिखाने के लिए आपको, यहाँ के कर्टन वगैरह की मार्केट दिखाई थी और मैंने कहा था कि मैं खाने की वीडियो डालूंगा कि जो अमर भवन चौक पे आ रहे हैं वो यहाँ पे खाने के लिए क्या खा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पे अगर आए हो तो थक गए होगे और कुछ खाने पीने के लिए आपको चाहिए और भाई हमारा काम है कि आपको खाने पीने के आइटम दिखाएं। तो चलते हैं, यहाँ की फेमस चीजें दिखाता हूँ आपको। और मैं अमर भवन चौक में इस वक्त मिड में खड़ा हूँ तो यहाँ पे ना मेरे को एक शॉप पे बहुत ही ज्यादा रश दिख रहा है, पकौड़े वाली शॉप है जी। चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे इतना रश क्यों है। यहाँ पे जो है वो मिड में खड़ा हूँ, यहाँ पे सारी शॉप देख रहे हो आप और यहाँ पे चलते ही ना यहाँ पे मुझे ना एक शॉप पे ना बहुत ही ज्यादा रश दिखा है। तो यहाँ पे ना समोसे और पकौड़े मैं देख रहा हूँ कि लोग ना काफी दीवानगी से खा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ पहली बात तो यार। किस नाम से है शॉप, एनी आईडी? जगन। हमें जाना कहाँ पे है? मेरे को यहीं जाना है। तो ये जगन हलवाई। जगन हलवाई। अच्छा अच्छा, तो ये है जी जगन हलवाई के, मतलब लाइक लोग यहाँ पे ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं और समोसे भी इनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो आई थिंक काफी फेमस शॉप है ये। बहुत फेमस। कब से खा रहे हो आप? 20 साल से। मतलब यार 6 महीने का बच्चा तो नहीं खाता। चलो कोई बात नहीं। तो लाइक क्या अच्छा है इनका? एवरीथिंग। तो यहाँ पे दी आप देख रहे हो पकोड़े हैं, ये सारे मिक्स पकोड़े हैं, गोभी वाला भी, आलू वाला भी है, पनीर वाला भी होता है, पनीर वाला पकोड़ा भी पड़ा है इनके पास। और ये ब्रेड पकोड़े हो गए जी और वो समोसे हो गए। समोसे ताजे ताजे बन रहे हैं और लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी पकोड़े की छोटी सी प्लेट लगा दो भैया। तो यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं पकोड़े। भैया कब से है शॉप अपनी? 35 साल। मतलब 35 साल पुरानी ये शॉप है जी अमर भवन चौक में, पकोड़े और ब्रेड पकोड़े के बारे में फेमस है। ये देखो जी लोग खाने के लिए आते रहते हैं रेगुलर। तो यहाँ पे हमने ना पकोड़े लगवाए हैं और ब्रेड पकोड़ा तो भाई खा रहा था, बताया था उनका भी अच्छा टेस्ट है। क्या प्राइस क्या रहता है पकोड़े, क्या रेट है भैया? पकोड़े है जी 200 रुपए किलो। समोसा 12। समोसा 12 रुपए। ब्रेड पकोड़ा 15। समोसे 12, ब्रेड पकोड़ा 15 और पकोड़े है जी 200 रुपए किलो। तो चलते हैं पकोड़े ही टेस्ट करते हैं। मिक्स पकोड़े मैंने लगा लिए हैं जी। सारा कुछ डाल दिया था ना आपने एक एक? तो सारा कुछ एक ही मैंने भैया से डलवा लिया। पकोड़े टेस्ट कितने जी? ट्रैफिक लग चुका है अमर भवन चौक में। समोसे रेडी हो रहे हैं ये देखो, ये हमारे अंकल समोसे बना रहे हैं। टाइमिंग क्या रहती है आपकी सुबह कितने बजे? 10 से 8। सुबह 10 से रात को 8 बजे तक। सुबह 10 से 8 बजे तक ये लगाते हैं जी। इस वक्त हम खड़े हैं जी 35 साल पुरानी अमर भवन चौक की पकोड़े वाली चौक पे। तो बस मैंने पकोड़े लगवा लिए, अब आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। मेरे को मेन जो है ना वो चटनियाँ टेस्ट करनी होती हैं यार, क्योंकि पकोड़े तो मिल जाते हैं सेम, बट जो चटनी होती है ना, चटनी को बनाने का जो स्टाइल होता है ना, वो कैसे बनती है, चाहे वो तीखे वाली हो जो हरी पुदीने और धनिया वगैरह की बनती है या दूसरी मीठे वाली हो। तो मैंने जो है पकोड़े लगवा लिए। अभी मैं अमर भवन चौक की पहली शॉप पे आया हूं जो पकोड़े वाले काफी फेमस है यहाँ पे, और उसके बाद दूसरी जगह दिखाएंगे। और यार देखते ही देखते ना यहाँ पे फिर से रश लग गया और मेरे जो है वो पकोड़े जो है वो गरम हो रहे थे और मैं पीछे हो चुका हूँ। भैया से पूछते हैं कि पकोड़े गरम हो गए हैं? भैया हो गए पकोड़े गरम? अच्छा, तो यहाँ पर पकोड़े हमारे जो है वो गरम हो गए। लगा दो प्लेट, लगा दो। ये देखो जी खाने वालों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है। तो वहाँ पे हमारी पकोड़े की प्लेट लग चुकी है। कौन कौन सी चटनी आ रही है भैया? हरी लाल। मतलब हरी लाल का कहने का मतलब और जो हरी वाली होती है वो बनती है जी, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, सारों को मिक्स करके चटनी बनाई जाती है। तो देखते हैं अमर भवन चौक के पकोड़े जो फेमस है, 35 साल पुरानी शॉप है, उनके पकोड़े कैसे हैं जी। ये देखो जी ये पकोड़े की प्लेट है जी। जगन्नाथ पकोड़े वाले जो अमर भवन चौक पे ना यार काफी फेमस है, हमेशा ना यहाँ पे रश रहता है, आप देख लो एक बार, हमेशा यहाँ पे रश रहता है। और मैंने यहाँ पे मिक्स पकोड़े लगवा लिए और साथ में इनकी दोनों चटनी आ गई है, मीठे वाली भी आ गई है, तीखे वाली आ गई है। तो पकोड़े टेस्ट करते हैं कोई भी एक उठा के। ये जो है वो आलू की टिक्की वाला पकोड़ा होता है। ये देखो मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना यही पसंद है, मैं ये जरूर डलवाता हूँ। तो ये देखो जी गर्मा गर्म पकौड़े हैं, ये ग्रीन वाली चटनी होगी जी और ये होगी मीठे वाली चटनी। ये देखो दोनों चटनियाँ एक नंबर, टेस्ट बढ़िया आ रहा है। ऐसे ही नहीं यार 35 साल पुरानी शॉप है और ऐसे ही लोग दीवाने हैं इनकी पकौड़े की शॉप पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं आपको दिखा रहा था बेडशीट वगैरह, तो लोगों से मैं खाने पीने का भी पूछ रहा था कि यहाँ पे क्या फेमस है। तो यहाँ पे जो उन्होंने सबने बताया जगन्नाथ पकौड़े वाला ही बताया था मेरे को। तो ये इनकी चटनी है जी दोनों, ये पकौड़ा दूसरा जो आ गया, ये पनीर वाला पकौड़ा भी है, सारे मिक्स पकौड़े हैं इनके पास, गोभी वाला भी है, आलू वाला भी है और जो पालक वाला होता है वो भी है, पनीर वाला भी हो गया। पनीर को तो ऑलवेज चाय पकौड़ा बोला जाता है, पनीर वाला भी खा लिया। अब आपको जल्दी जल्दी खा के दिखाते हैं क्योंकि यार घूम के ना मेरे को भूख तो बहुत लग चुकी है। अब आपको गोभी का, ये देखो गोभी वाला, ये गोभी का पकौड़ा आ गया विद पोच चटनी। तो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अमर भवन चौक आ रहे हो, जगन्नाथ पकौड़े वाला विजिट कर लेना, हाईली रिकमेंडेड है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जो चैनल पर बसते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगे और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।